नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया। अमेरिका में नई सरकार बनने की तैयारी चल रही है और इस बीच मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की वेबसाइट पर एक अपडेट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। यह वेबसाइट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस के कार्यकाल को खत्म दिखाया गया है और इस्तीफे की भी बात की गई है। दरअसल जब बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग की प्रक्रिया को एक बकवास करार दे रहे थे, उसी बीच अमेरिका विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर यह हलचल देखने को मिली। वेबसाइट पर मौजूद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की प्रोफाइल पर जानकारी दी गई कि 11 जनवरी को दोनों का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में अब नई सरकार आने पर ही इसे अपडेट किया जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि ये हरकत विदेश मंत्रालय के किसी कर्मचारी की है जो मौजूदा प्रशासन से खफा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप या माइक पेंस ने इस्तीफा नहीं सौंपा है, दोनों का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में अभी इस्तीफे का सवाल ही खड़ा नहीं होता। वेबसाइट पर इस अपडेट की बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, जिसमें कई लोगों ने कहा कि हो सकता है कि यह हस्तांतरण का एक हिस्सा हो, लेकिन किसी कर्मचारी ने जानबूझकर इसे लाइव कर दिया हो। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन हस्तांतरण को सही तरीके से पूरा करेंगे। बुधवार से ही अमेरिकी सीनेट एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं।